नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। डीटीवी भारत के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो बात आज करेंगे गर्मी की, क्योंकि गर्मी लगता है कि जान ले लेगी। उत्तर भारत समेत ज्यादातर देश के हिस्सों में इस साल अधिक गर्मी पड़ेगी। मार्च से मई तक के मौसम जो विभाग है उसने जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार जिस तरीके से बिहार, दिल्ली, यूपी समेत देश के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो बिहार, दिल्ली, यूपी समेत कई इलाकों में रहेगा गर्मी का प्रकोप। देश के कई इलाकों में दिखने लगा है बढ़ती हुई गर्मी का असर। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इस साल गर्मी अधिक पड़ेगी। मार्च से मई तक के मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का असर बहुत अधिक पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि इस साल गर्मी आपको तड़पा सकती है, सता सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का ये मानना है कि इस साल गर्मी अधिक पड़ेगी। तो इस साल गर्मी रुलाने जा रही है। बीते एक से दो सप्ताह की अगर बात करें तो बढ़े हुए तापमान का कुछ तो असर आप भी महसूस कर रहे होंगे। कुछ दिनों पहले तक गर्म पानी से नहाने वाले अब ठंडे पानी से नहा रहे हैं। घरों में लगे पंखे भी अब चलने लगे हैं और गर्मी का असर आप देख सकते हैं। मौसम विभाग का यह मानना है कि मार्च से मई से जो आगे का महीना होने वाला है वो काफ़ी गर्म रहेगा, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो अभी से ही बढ़ने लगी है। फरवरी महीने में भी गर्मी का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग के जो अनुमान है उसके अनुसार मार्च से लेकर मई जून तक का जो महीना है वो अधिक सता सकता है। आपको बता दें कि मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन बढ़े हुए तापमान का असर दिखने लगा है। आने वाले महीनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप पहले से अधिक देखने को मिलेगा। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान मौसम विभाग के तहत जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से लेकर मई तक उत्तर, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर उपसंभागों तथा मध्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के कुछ उपसंभागों एवं उत्तरी पर्वतीय जो तटीय उपसंभाग में तापमान जो है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की उम्मीद है। इन इलाकों में गर्म दिनों के साथ साथ जो दिन है वो तो गर्म है ही, साथ साथ रातें भी काफी गर्म हैं। तो पटना में मौसम की मार झेल रहे लोग उससे परेशान हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी निभा ने पटना की छात्राओं से बातचीत की है। चलिए आपको जरा सुनाते हैं कि आखिर छात्राएं क्या कुछ कह रही। मानसी, ये बताइए मार्च के महीने में इतनी गर्मी देखी, क्योंकि मार्च का महीना शुरू ही हुआ है। नहीं, आज तक तो नहीं देखा है कभी, ये पहली बार है जो हम लोग ऐसे देख रहे हैं इतनी गर्मी मार्च में। बहुत ज्यादा, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्योंकि कॉलेज आना जाने रहता है इस टाइम पे, मेन 12 से लेके 3 का टाइम रहता है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है ऑब्वियसली। इतनी गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं थी इस मंथ। बहुत परेशानी हो रही है इतनी गर्मी में, क्योंकि मुझे तो दानापुर से आना पड़ता है यहाँ पे। इस बार तो लग रहा है कि मई जून की हालत जो वो 50 डिग्री क्रॉस कर ही जाएगी। 50 डिग्रीज होने वाला है इस बार। मुश्किल हो रहा है तो आगे चल के तो और मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा गर्मी परेशान कर रही है। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना है और इतनी कड़क धूप जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक स्कूल के चिल्ड्रन को जो भी जाएंगे और हम लोग कॉलेज स्टूडेंट या अभी जो भी यात्री जो कि ट्रेवलिंग करेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी मार्च में इतनी गर्मी है तो आप जून जुलाई में आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। तो सुना आपने कि मौसम की मार से परेशान छात्राएं आखिर क्या कुछ कह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न शहरों का जो अधिकतम तापमान होगा वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह अगर न्यूनतम तापमान की हम बात कर लें तो वो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अभी राज्य के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान जो है वो 32 से 34 डिग्री के बीच बताया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो वो 17 से 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने अभी आपको ब्रेक से पहले सुनाया था कि पटना की छात्राएं क्या कुछ कह रही हैं, उनसे खास बातचीत की थी हमारी सहयोगी निभा ने, और निभा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। निभा, आप पटना की सड़कों पर निकली, फिलहाल मौसम की मार से लोग परेशान हैं, छात्राओं ने क्या कुछ कहा था और किस तरीके से आप मौसम को लेकर देख रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और परेशानियां होने वाली हैं?
जी विनाश, पटना में जिस तरह से लड़कियां हैं काफी ज्यादा परेशान रही हैं मौसम को लेकर के, मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण पटना का जो अधिकतम तापमान है फिलहाल 4 डिग्री गिरावट हुई है, लेकिन अभी जो मौसम में बदलाव होने वाले हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि अब मौसम बदलेगा और गर्मी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिलहाल अभी जो तापमान है मैं बता दूं 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान, न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिल्कुल निभा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, लेकिन आप पटना की सड़कों पर निकलती हैं, मैं जरा पटना के आम लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है, क्योंकि अभी अभी सर्दी जो है वो खत्म हुई है, गर्मी में आम लोग अब जीने के लिए इसका असर देखने को मिल रहा है, गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, वो अब गर्मी में आ रहे हैं, गर्मी को झेल रहे हैं, उससे परेशान है। आप सड़कों पर जाती हैं तो फिलहाल क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, जो मैं अपने छात्राओं से बातचीत की उन्होंने क्या कुछ कहा? जी मैं बता दूं कि अभी मौसम बदला है और पिछले बार देखे तो ठंड बहुत ज्यादा थी और अभी अचानक मार्च के पहले ही हफ्ते में इतनी ज्यादा गर्मी है, लड़कियां काफी ज्यादा परेशान है और लड़कियों ने ये भी कहा है कि उन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं देखी है। और लड़कियां बोल रही थी, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी से एक महीने बाद अगर देखे तो जो लाइफ है गर्मियों की, जो हम जो गर्मी की जो स्थिति रहेगी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और लड़कियां गर्मी से काफी ज्यादा बेहाल होने वाली हैं और गर्मी से बचाव की उन्होंने अभी तैयारी भी किस तरह से बचाव करने हैं, खुद को गर्मी से कैसे बचाव कर उन्होंने तैयारी भी कर रखी है और सोच रखा है कि क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। बिल्कुल निभा, क्या छात्राओं को स्कूल आने जाने में भी समस्याएं हो रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आने जाने बहुत ज्यादा समस्या हो रही है क्योंकि जो ऑटो भाड़ा है, ऑटो से आना जाना हो गया, माफ करिएगा, ऑटो हो गया या बस हो गया, ये सब ट्रैवल करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। गर्मियों में देखे तो गर्मियों में कहीं अगर ट्रैवल करना है तो गर्मी बहुत ज्यादा परेशान करती है और जिसके कारण लड़कियां स्कूल से आज कुछ एग्जाम था उनका तो आई हुई थी बस से और आज गर्मी से लड़कियां काफी ज्यादा बेहाल नजर आ रही थी, उन्होंने अपना मतलब यात्रा करने में भी उनको समस्या हो रही है। फिलहाल निभा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो ये थी हमारी सहयोगी निभा जो अधिक जानकारी दे रही थी। दरअसल निभा लगातार रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर जाती रहती हैं, वो लोगों से मिलती रहती हैं, स्थितियां परिस्थितियों को समझती हैं और उन्हें स्थिति परिस्थिति को देखकर वो अपना अनुभव बता रही थी कि किस तरीके से जो छात्राओं से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको किस तरीके से गर्मी परेशान कर रही है, आने जाने में समस्या हो रही है, साथ ही साथ अगर बात करें तो स्कूल में भी या कॉलेज में भी समस्या हो रही है। अमूमन अब जैसे ही फरवरी खत्म हुआ है, मार्च अभी स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, पंखे बंद थे घरों में, नॉर्मल लोग रहते थे, लेकिन अब पंखे भी चलना शुरू हो गए हैं, लोग एसी का भी प्रयोग करने लगे हैं, तो गर्मी जो है वो इस वजह से भी बढ़ रही है। हालांकि अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम की स्थिति को जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण जो है वो पटना स्थित मौसम विभाग भी पहुंचे और वहां पर मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार से बातचीत की। क्या कुछ कहा है मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने, जरा वो भी सुनिए। कारण है कि ये हमारे यहाँ बहने वाली हवा जो कि पश्चिम और उत्तर की दिशा से आती है, ड्राई विंड होती है, और वो हवा में के निचले सतह में उपस्थित जो भी मॉइस्चर हुए या उनको ड्राई कर देता है, इसके कारण से टेम्परेचर शूटिंग होता है। तो अभी तक अगर हम देखें तो यही कारण है कि इस समय में हमको इस तरह का टेम्परेचर देखने को मिला, मुख्य रूप से कि हमारा विंटर का सीजन बिल्कुल ड्राई होना और दूसरा कि अर्ली स्टेज में ये वेस्टर्ली विंड, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का बहना जो कि अच्छी गति आज और ये कल दोनों दिन में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये कारण है मुख्य रूप से जो अभी इस समय का टेम्परेचर में इतनी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने और स्थितियां जो परिस्थितियां हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो है वो गर्मी से परेशान हैं। जरा दरअसल गर्मी का सीजन आते ही अब लोग जो है वो नारियल पानी पीने लगे हैं और इससे लोगों को राहत भी मिलती है और लोग स्वस्थ भी रहते हैं और गर्मी का असर अब आम लोगों के ऊपर दिखने लगा है। सड़क पर आप निकलेंगे तो लोग बजाबते अपने चेहरे को ढक कर और जिस तरीके से गर्मी से बचाव हो वो उपयोग कर रहे हैं। नारियल पानी की बिक्री भी बढ़ गई है, पहले ठंडी में जब सर्दी थी तो इतनी बिक्री नहीं हो रही थी लेकिन अब जो है वो नारियल पानी की बिक्री बढ़ गई है। अमूमन लोग जो निकल रहे हैं वो अपनी गाड़ी का
एसी चलाकर चल रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है वो काफी बढ़ी हुई है। अभी अगर बात करें तो फरवरी जो बीता है इसमें अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अभी मार्च शुरू हुआ है, मार्च का भी तापमान लगभग 32 33 34 डिग्री इसके आसपास रह रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्भय भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, गर्मी बहुत परेशान कर रही है, बहुत बुरी तरीके से हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देखे तो हालात लगातार बदल रहे हैं और ऐसे में मौसम का जो अनुमान है और मौसम वैज्ञानिक ने जिस तरीके से अपने अनुमान लगाए हैं उसको लेकर के देखा जाए तो आने वाला जो अगला कुछ दिन होगा वो काफी गर्म होने वाला है। फिलहाल मैं अगर बात पटना की करूं अविनाश, तो जिस तरीके से पटना की स्थिति को लेकर के देखा जाए तो पटना में भी आने वाले दिनों में टेम्परेचर में काफी चढ़ाव दिख रहा है। हालांकि अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार थोड़ा सा यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो कम होने की उम्मीद है। अगर गुरुवार की बात करें यानी कल की, तो कल का जो टेम्परेचर होगा वो अधिकतम 21 डिग्री तक जा सकता है। आज अगर 27 आज की बात करें तो आज 27 डिग्री है और मिनिमम 14 डिग्री है, लेकिन कल से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अधिकतम तापमान जो होगा वो गुरुवार को 21, वही शुक्रवार को 32 और बढ़ते बढ़ते 31 और 32 और आखिरी दिनों की बात करें यानी कि आगे आने वाले एक सप्ताह की बात करें तो टेम्परेचर जो होगा वो अधिकतम तापमान वो 33 डिग्री तक जाने वाला है, जबकि न्यूनतम में भी बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, और न्यूनतम तापमान जो होगा वो अगले 8 दिनों के अंदर 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री उछाल होगा और 17 डिग्री मिनिमम जाएगा। मतलब ये माना जाए कि रात भी गर्म होने वाली है क्योंकि अमूमन रात और सुबह के समय में ही निर्भय तापमान थोड़ा कम रहता है, लोगों को राहत मिलती है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि न्यूनतम तापमान भी काफी कुछ गिरने ना वाला है, उसमें और उछाल ही होने वाली है, मतलब न्यूनतम तापमान में भी और बढ़ोतरी होगी, अर्थात ये समझा जाए कि रात और सुबह का समय भी गर्म रहने वाला है। बिल्कुल अविनाश, इसको लेकर के देखा जाए जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर यानी कि पाकिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं उस पर पश्चिमी विक्षोभ का एक असर दिख रहा है और उसका असर जो है साफ तौर पर भारत पर देखने को मिल रहा है और जिसका नतीजा है कि मौसम जो है वो लगातार गर्म होते जा रहा है और गर्मी के कारण है कि जिस तरीके से जो दिन में जो धूप है वो काफी तेज हो रहा है जिससे कि वातावरण गर्म हो जा रहा है और इसी का नतीजा है कि रात में भी मौसम जो है वो गर्म रहेगा और गर्मी का जो असर होगा वो दिन के मुकाबले रात में भी लगभग बराबर दिखी जा रही है। हालांकि रात की कुछ देर के बाद जब मौसम में थोड़ी सी परिवर्तन होगी तो आधी आधी जो रात खत्म हो जाएगी उसके बाद मौसम में थोड़ी सी ठंडक महसूस की जा सकती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो मौसम वैज्ञानिकों का भी साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले जो दिन होंगे उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गर्मी का भी जो असर होगा वो काफी तेज होगा क्योंकि धूप में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इसके कारण ही गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से निर्भय आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग भी लगातार अपना काम कर रहा है और मौसम के जो भी हालात हो रहे हैं, जो भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसे लगातार मौसम विभाग भी अपडेट करता रहता है और मौसम से जुड़ी भी तमाम बड़ी खबरें आप डीटीवी भारत पर भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका निर्भय तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्य की कई जगहों पर पछुआ हवाएं चल रही हैं, आपको बता दें कि इसके कारण भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पटना, गया, रोहतास, बक्सर, भागलपुर, इसके अलावा अगर बात करें पूर्णिया और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग गर्मी से परेशान हैं, गर्मी झेल रहे हैं। दिन के साथ साथ रात में भी न्यूनतम तापमान के सामान्य से काफी ऊपर रहने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी महीने का राज्य का औसतन जो तापमान रहा है वो 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो पिछले साल के अनुसार 1.6 डिग्री अधिक रहा है। इस वजह से इस साल फरवरी में अधिक गर्मी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि 28 डिग्री औसत तापमान के साथ फरवरी महीने में भागलपुर और रोहतास राज्य के दो सबसे गर्म शहर रहे हैं। बात अगर भागलपुर की कर लें या रोहतास की कर लें तो ये दोनों शहर जो हैं वो फरवरी में बहुत गर्म रहे हैं। इस दौरान बक्सर में भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। बक्सर में गर्मी का क्या हालात है इसको लेकर हमारे सहयोगी सुमित और नमू ने लोगों से बातचीत की है, जरा सुनिए आप वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो प्रकृति का देन है और इसके बारे में तो हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं और ना कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसे मौसम हमारे साथ बर्ताव करते हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों से ये
चाहेंगे कि प्रकृति के साथ चटना ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए। तो आपने सुना कि बक्सर के आम लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से गर्मी उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन बक्सर में आम लोगों के साथ साथ किसान भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के साथ साथ दूसरी जो अभी फिलहाल फसलें लगी हुई हैं उन फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जरा एक किसान का बयान भी सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं गर्मी को लेकर। क्योंकि इसका टेम्परेचर चाहिए लेट बोने के चलते 14-18 से 14 तक, लेकिन ये सारी फसल का जो होगी जो अभी फूल पर है वो सब मुरझा जाएगा, यानी 25% खेती हमारी सब फसल कम होगी। गर्मी हो तो ज़्यादा आएगा तो किसान को नुकसान होगा, क्योंकि पानी देना पड़ेगा, 3-4 दिन में पानी देना पड़ेगा। तो आम लोग तो परेशान हैं ही, किसान जो लगातार मेहनत करके अपनी खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वो भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। और आपने सुना कि बक्सर में किसानों के क्या हालात हैं गर्मी को लेकर, वो किस तरीके से परेशान हैं। और इन किसानों से बातचीत की थी, इन आम लोगों से बातचीत की थी हमारे सहयोगी सुमित और नमो ने। और इस वक्त बक्सर से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, आम दिनों के अनुसार फिलहाल जो मार्च का ये महीना शुरू हुआ है, गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, फिलहाल बक्सर के क्या हालात हैं? जी अविनाश, आपको बता दें कि गर्मी का जो प्रकोप है उससे 11 बजे के बाद एक तरह से रोड सड़कें जो है पूरी तरह से सुनसान हो जा रही हैं। हाँ। अगर हम बात करें आम जनता की तो अभी से ही लोग अपना चेहरा ढक करके या फिर छाते का प्रयोग अभी से ही स्टार्ट कर दिए, क्योंकि धूप बहुत तेज होने लगी है। अब बिल्कुल जिस तरीके से सुमित आप बता रहे हैं, एक तो आम लोग परेशान हैं और वो अपना बचाव कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं कि किस तरीके से वो गर्मी से बच सकते हैं, चाहे वो छाते का उपयोग कर लें या चेहरा ढक के चलने की बात कर लें, या अमूमन अगर काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सड़कों पर काफी कम लोग दिख रहे हैं, किसानों के क्या हालात हैं? हमने कुछ किसानों के बयान भी सुने, वो परेशान हैं। जी, किसानों का यही है कहना है कि बढ़ती गर्मी की वजह से उन्हें जो है खेतों में अधिक पानी का संचालन करना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए काफी महंगा भी साबित हो रहा है, क्योंकि बिजली के दर वैसे ही बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं। तो ये इस गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी से किसानों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। एक तो वो खेतों से और अपनी फसलों से खुद उनको नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ उनके आर्थिक क्षति भी पहुंच रही है। अब बिल्कुल, मतलब ये सुमित माना जाए कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ बढ़ती हुई गर्मी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में जिस तरीके से एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसानों के हालात खराब हो रहे हैं। क्योंकि जैसा बक्सर से हमारे सहयोगी सुमित बता रहे थे कि एक तो किसान गर्मी के कारण खेतों में काम करते हुए परेशान है, दूसरा ये है कि उन्हें खेतों में अधिक पानी देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डीजल और जिस तरीके से महंगा हो रहा है, या बिजली की जो कीमतें हैं वो महंगी हो रही हैं, तो इस वजह से भी किसान परेशान है, उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, गर्मी भी परेशान कर रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, कमर उनकी टूटती जा रही है। बहरहाल आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बक्सर की तस्वीरें हैं, जरा इन तस्वीरों को भी देखकर आप समझिए कि आम लोग जो हैं वो सड़कों से नदारत हैं, सड़कों से निकलने से वो बच रहे हैं, जिनको बेहद ज़रूरी काम है या काम है वही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। किसान जिसने अपनी फसल लगाई है वो खेतों में है, पसीना बहा रहे हैं। और अमूमन जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बक्सर की सड़कों की हैं, यहाँ लोग कम निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी जिस तरीके से है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने अभी तापमान का जिक्र किया, हमारे सहयोगी निर्भय बता रहे थे कि किस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अमूमन जो तापमान है वो 30 से अधिक रह रहा है। बहरहाल बढ़ती हुई गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, ये तो हम लगातार अभी कह ही रहे। वहीं रोहतास की अगर बात कर ले तो यहाँ आम लोगों के साथ साथ किसान भी परेशान है, जरा ये बयान भी सुन लीजिए। गर्मी अभी महसूस हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं हम करहगर, करहगर ब्लॉक में जा रहे हैं। जी हाँ, गर्मी लग रहा है। मतलब कैसा महसूस हो रहा है इस समय? महसूस आप धूप निकलने लगा तो गर्मी हुक्म नहीं करेगा। ऐसे में रात का मौसम कैसा रह रहा है? रात में भी गर्मी लग रहा है। जी जी जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे हैं सब बाजार खेत। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत,
और यहाँ पर जो है जो छात्राएं हैं विद्यालय से पढ़कर आ रही है, ऐसे में बसंत का ऋतु चल रहा है और जाड़ा बीतने के बाद गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में ये लोग क्या कहती हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से रे बाबू, कहाँ से आप लोग आ रही हैं? खड़ारी स्कूल से। खड़ारी स्कूल से कितने दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, तो वहाँ से पैदल चल के आ रही है। हाँ। क्या लग रहा है, बस गर्मी महसूस हो रहा है? तो अभी तो आप लोग साइकिल से भी नहीं आ रहे हैं, साइकिल के नहीं मिला है आप लोग? नहीं, अभी नहीं मिला है। विद्यालय से साइकिल आपको नहीं मिला है? नहीं। तो अब तो ऐसे में COVID-19 का भी ये है, लेकिन उसमें आप लोग मास्क को कम से कम लेकर चलना चाहिए, है ना? अच्छा, आप कहाँ से बाबू? खड़ारी। तो विद्यालय है? विद्यालय से। तो वहाँ से आ रहे हैं? गर्मी महसूस हो रहा है? गर्मी महसूस हो रहा है। अच्छा, तो ये और इस वक्त हमारे रोहतास से सहयोगी अश्वनी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, आप सड़कों पर निकले, लोगों से बातचीत की, फिलहाल गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात रोहतास जिले में देखने को मिल रहे हैं? जी अविनाश, मैं आपको बता दूं कि जो बसंत ऋतु का मौसम है और ऐसे में जाड़ा बीतने के बाद बसंत ऋतु आते ही अब जो है गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ऐसे में जो विद्यालय चल रहा है, विद्यालय में से छुट्टी के बाद लौट रहे छात्राओं से हमने रास्ते में बात किया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के क्रम में गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। तो वही प्रधान प्रखंड में जा रहे कर्मियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि सर्दी के समय में धीरे धीरे ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में जो है जो आलम है गर्मी लग रही है। बिल्कुल, तो फिलहाल दिन में अगर गर्मी लग रही है, रात में थोड़ी सी राहत रोहतास जिले में देखने को मिल रही है। फिलहाल अश्वनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो ये थे हमारे सहयोगी अश्वनी जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से गर्मी के असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखने के साथ साथ आपको ये समझ में आएगा कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी से लोग कितने परेशान हैं। अभी फरवरी का महीना खत्म हुआ है और मार्च बस अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन गर्मी इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च से लेकर मई जून तक गर्मी बढ़ेगी और पिछले सालों, मतलब अगर कुछ सालों का हम सालों की बात कर ले तो जिस तरीके से गर्मी रही है उससे अधिक गर्मी इस साल रहने वाली है और इसमें पछुआ हवाएं भी जो है वो अपना प्रकोप दिखा रही हैं। पछुआ हवाओं के कारण लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम जो है वो शुष्क होता जा रहा है। और इस बीच आपको एक बार फिर से जरा मौसम वैज्ञानिक का बयान सुना देते हैं कि क्या कुछ हालात रहे, किस तरीके से तस्वीरें नहीं है, क्या कुछ रहा है, जरा सुनिए कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने क्या कुछ कहा। टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कि ये हमारे यहाँ बहने वाली हवा जो कि पश्चिम और उत्तर की दिशा से आती है, ड्राई विंड होती है, और वो हवा में के निचले सतह में उपस्थित जो भी मॉइस्चर हुए या उनको ड्राई कर देता है, इसके कारण से टेम्परेचर शूटिंग होता है। तो अभी तक अगर हम देखें तो यही कारण है कि इस समय में हमको इस तरह का टेम्परेचर देखने को मिला, मुख्य रूप से कि हमारा विंटर का सीजन बिल्कुल ड्राई होना, और दूसरा कि अर्ली स्टेज में ये वेस्टर्ली विंड, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का बहना जो कि अच्छी गति आज और कल दोनों दिन में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये कारण है मुख्य रूप से जो अभी इस समय का टेम्परेचर में इतनी वृद्धि देखी गई है। और चलिए जरा रक्सौल का हाल भी जान लेते हैं। रक्सौल से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, रक्सौल के क्या हालात हैं? जी हम बता दें कि अभी मार्च का पहला महीना ही शुरू हुआ है और इस महीने में गर्मी अपनी तपिश दिखाना चालू कर दी है, लेकिन जहां इस गर्मी से एक तरफ फसलों को फायदा हुआ दिख रहा है, रबी को भी फायदा होगा और गेहूं को भी फायदा होगा, वही कुछ आम लोगों को गर्मी से परेशानियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रही है, इस कोरोना काल में लोग सर्दियों से बचना चाहते हैं और सर्दियों से बचने के लिए जो गर्मी अभी असर दिखा रही है वो अभी लोगों को काफी राहत देते हुए नजर आ रही है। चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद संदीप, आपने तमाम जानकारी दी। तो रोहतास जो माफ कीजिएगा रक्सौल के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सर्दी से लोग बचने के लिए लगातार उपाय कर रहे थे और अब जैसे ही गर्मी शुरू हुई है लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन अगर बात शहरों की कर ले तो शहरों में गर्मी से लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ प्रदूषण ज़्यादा है, इस वजह से गर्मी थोड़ी सी अपना असर अधिक दिखा रही है।
तो आज हमने अपने खास स्पेशल जो हमारा खास ये कार्यक्रम रहा, ये हमने आपको बताया कि गर्मी किस तरीके से बढ़ी, क्या कुछ है और आने वाले दिनों में हालात क्या कुछ रहेंगे। देश दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, उन्हें जानने के लिए देखते रहिए आप डीटीवी भारत। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।